हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। मैं अन अकेडमी भी हूँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्री लर्निंग ऐप है। इसमें मैंने मैथ्स के लेसन्स बनाए हुए हैं, जो सीडीएस, एसएससी तथा सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाभदायक हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग अन अकेडमी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट में चैप्टर 4 है। तो इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालेंगे डिटरमिनेंट से, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया होता है, तो एरिया जो आपका आएगा यहां पे ये x1 y1 ठीक है, x2 y2 x3 y3 फिर यहां 1 1 1 और यहां क्या आ जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका एरिया। जैसे हम ट्रायंगल पढ़ते थे ना एरिया, वही है आपका डेल्टा लेवल। इसके लिए आप क्या हुआ, ये ट्रायंगल लेवल। जैसे हम 9th में नहीं पढ़ 9th नहीं इस क्लास में था 10th में था क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में था ना, इस बुक में लिखा भी है हाफ x1 y2 -y3 x2 y3 -y1। देखो x1 के अराउंड अगर एक्सपेंड करोगे ना ये चीज, या इसके अराउंड एक्सपेंड करेंगे, देखो इसको करोगे तो क्या होगा, इसके लिए होगा ये लाइन जाएगी, देखो y2 -y3 फिर x2 आएगा माइनस, तो माइनस दे दे तो प्लस आएगा, तो फार्मूले में क्या देखो प्लस आया ना, माइनस लोग दिए लाइन ही लाइन जाएगी ना, कैसे आएगी ऐसे आएगा y1 -y3, बट माइनस को अंदर करके y3 -y1 कर दिया। देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 1/2 आ गया, x1 लोगे तो क्या आएगा y2 -y3 माइनस लोगे ना x2, हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग c1, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं c1। एक्सट्रीम को देखेंगे क्या होगा, ये लाइन ये रहेंगे, ये आएगा ना क्या आएगा, ये y1 -y3 प्लस x3 लेंगे इसके तो क्या आएगा, ये आएगा y1 -y3 ये क्या है आपका एरिया होगा। अब जब ये निकालेंगे हाफ, इसको ये क्या करता है, ये x1 y2 -y3 ये माइनस अंदर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा x2 ये क्या हो जाएगा y3 -y1 plus x3 y1 -y1, यही फार्मूला हम पढ़ते थे 10 में, जो ये डिटरमिनेंट में आया आगे से, ये जो मैं बता रहा था ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा हम पढ़ते ठीक है। यहाँ लेते हैं ना x1 लेते थे तो y2 -y3, x2 लेते थे तो y3 -y1, x3 लेते थे तो y1 -y2 इस तरह लेते थे, और जगह प्लस क्या होता था यहाँ पे बीच में, क्लियर हो गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो किस तरह से एरिया, वहां भी वही चीज था कोलिनियर होगा, तीनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, मान लो ए बी सी, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया इसका जीरो हो जाएगा कोलिनियर, यहां भी ये जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट जीरो कर लेंगे। और एक आता है इसमें कि दो पॉइंट दिया है, यहां पे दो पॉइंट दिया है और बोलेगा कि ये इसका लाइन इक्वेशन निकाल दो डिटरमिनेंट से, तो ये जैसे मान लो कि x1 y1 दिया है यहाँ पे x2 y2 दिया है, दो पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट अब xy लेते हैं, क्या लेते हैं xy, ये तो x1 y1 होगा xy, इसको मिला के क्या कर लेंगे xy कर लेंगे, और ये डिटरमिनेंट के लिए इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा, हाफ तो जाके जीरो हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो फिर xy में क्या आ जाएगा, xy में इक्वेशन आ जाएगा इस लाइन का, जो आपकी लाइन है लाइन का क्या आ जाएगा इक्वेशन पे, एक लीनियर लाइन निकाल ली, इसमें दो पॉइंट दिया होगा, तीसरा पॉइंट हम खुद ही हम लेट कर लेंगे, इस पॉइंट पे एक्स वाई हम कहीं भी लेट कर लेंगे, तो उससे तीनों पॉइंट से एरिया इसका क्या होगा जीरो आएगा, उससे हमारा लाइन अभी कराएंगे वस्तु समझ में आता है ठीक है। तो तीन ही कॉन्सेप्ट इस पाने है, एक तो मान लो कि दे देगा कोई भी तीन पॉइंट इसमें के डाल दिया और बोल देगा कि इसका ट्रायंगल का एरिया इतना दिया हुआ है, तो उसका के की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू के लिख दो, एरिया जो आया ना एरिया इसके यहाँ पे हो रहा है 5 लिख दो, यहाँ पे यहाँ के की वैल्यू 5 है, डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो के की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगा ना, या कोलिनियर होगा जैसे कोलिनियर जैसे टेंथ में करते थे ना के की वैल्यू, तो के पॉइंट दे रखा होगा, के इसमें दिया हुआ है के पॉइंट दे रखा है, तो उसे के की वैल्यू आ जाएगी, एरिया दे रखा होगा या बोला कोलिनियर है, कोलिनियर से भी जीरो हो जाएगा, तब भी निकल जाएगा, क्वेश्चन करेंगे कि क्या रख सकता है ठीक है। जैसे इसमें मान लो 4.3 का दिया है, 4.3 का ये जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस पॉइंट इन द फॉलोइंग, एक कोई से कर लो इसमें से फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे एक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा
कैसे एरिया आ रहा है, ठीक है। ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। उत्तम नगर दयाल सर रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जहां एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का, तो इसमें क्या दिया 1.0, 6.0, 4.0, ठीक है। 3 पॉइंट दिया है कि आपका ट्रेनिंग के बाद से जाए। अब ये डायरेक्ट फार्मूला मैंने बता दिया था x1 y1 ये 1.0, 6.0 और 4.3, और ये 1 इधर आ जाएगा, a1/2 आ जाएगा जो मैंने बताया था। अब इसके अलावा हमने एक्सपेंड कर दिया r1 को, 1 आएगा तो ये 0-3, फिर 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, कितनी जोड़ नहीं है, प्लस 1 आएगा, 1 होगा तो ये चला गया, तो 6 3 18 -0, इसको 1/2, ये -3 आ जाएगा, और प्लस ये कितना आएगा 18 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15/2 इसका क्या हुआ आंसर होगा, ये आपका 15/2 आंसर इसका ए दिया गया है। अब इसमें से देखो ये फर्स्ट का और पार्ट आपको कर लेना। दूसरा क्वेश्चन दिया है सो दैट a, b+c, b+c + a + b आर कोलिनियर, इसको कर लेते हैं सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे, कोलिनियर में क्या दिखाना होगा, एरिया इसको हमको क्या दिखाना होगा, जीरो दिखाना होगा, ठीक है। एरिया जीरो आ गया सेकंड वाले में, ये क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। इसका एरिया लिखो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। डिटरमिनेंट पहले लिखो ये कॉमा ये दिया तो बी प्लस सी हो गया ये, फिर बी यहाँ आ जाएगा यहाँ पे सी प्लस ए हो गया, फिर यहाँ पे सी हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस बी हो गया, 1 1 1 आगे समझ में ये। अब इसको क्या कर सकते हैं, सी वन गोज टू हम कर सकते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर सकते हैं ना, सॉरी नहीं, सी वन गोज टू सी वन प्लस सी टू कर लो, c1 = c2 हो जाएगा, c1 + c2 तो क्या हो जाएगा ये 1/2 ये रहेगा a + b + c, ठीक है। यहाँ पे b plus c आ गया, यहाँ पे plus a आ गया, यहाँ पे a plus b आ गया, 1 1 1। देखो ये सब जगह क्या है a plus b आ जाएगा common, 1 1 आ गया, ये दोनों ये दूसरे proportional हो गए, इसलिए इसका क्या होगा determinant क्या हो गया जीरो हो गया। यहाँ चाहो तो ए प्लस बी कॉमन भी ले चाहे भी ले सकते हो, सी वन और सी थ्री क्या है प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका जीरो हो जाएगा, मान लेते हैं सी वन एंड सी थ्री आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तभी जब एरिया आपका जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा ए बी एंड सी आर क्या हो जाएगा कोलिनियर, आगे समझिए एबीसी क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। फर्स्ट दिया है k कॉमा 0 4 कॉमा 0 और 0 कॉमा, ठीक है। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड क्वेश्चन है 4.3 का, इस 4 स्क्वायर है एरिया इसमें कितना दिया है 4 स्क्वायर है, ठीक है। तो जब ये हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ एरिया ये आएगा ना, हाफ क्या आएगा k कॉमा 0 4 कॉमा 0 और 0 कॉमा 2 या 1 1, तो एरिया हम प्लस माइनस 4 लिखते हैं, क्योंकि जो एरिया इसका था मॉड में होता है, एरिया क्या होता है ये पूरी चीज मॉड में आती है हमारी, किस में आती है मॉड में आती है, तो मॉड में एरिया जब आता है तो k की वैल्यू ये जो मॉड से हटाओगे ये प्लस में, जैसे कोई चीज लिखा है यहाँ पे मॉड x इक्वल टू 2 x की वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसलिए क्या लिखते हैं हम प्लस माइनस 4 लिखते हैं। अब इसको क्या करो एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग r1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2 तो इधर लेके चले जाओ, ये कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा k। अब ये लाइन ये कितना हुआ 1 माइनस, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया 0 - 2 माइनस 0 हो गया ये खत्म हो गया प्लस 1 1 लोग होती है 4 2 जा 8 माइनस 0 इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2 के ये बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब एक बार प्लस ले लो या एक बार माइनस ले लो, माइनस टू के इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एट, माइनस एट हो जाएगा। तो एक बार हम प्लस ले लेते क्या होगा, माइनस टू के इक्वल टू कितना होगा, एट माइनस एट, एट को प्लस लिया ना, पॉजिटिव लिया हमने, तो ये एक माइनस टू के इक्वल टू कितना, जीरो हो गया। के की वैल्यू कितनी है, जीरो आ जाएगी। और एक बार हम निगेटिव देते हैं, माइनस टू के इक्वल टू माइनस एट माइनस एट, ये हो गया माइनस टू के इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, माइनस माइनस कट गया, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट आ जाएगी। तो के की वैल्यू जीरो आएगी, के की वैल्यू एट आएगी, जो आंसर आया। ठीक है, अल्लाह बता रहे ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 4 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, इक्वेशन निकालना है लाइन का। जैसे ये दो लाइन यहां दिया, दो पॉइंट दिया है ये, और एक हम पॉइंट इस पे x, y ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लो 1, 2 है, ये 3, 6 है, इसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। इट मीन देखो 1, 2, 3, 6 यहाँ ले लेंगे x, y, यहाँ 1 हो जाएगा, 1, 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा तो एरिया हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंड के लॉन्ग आर वन, ये क्या आएगा 1, देखो ये 1 चला गया तो क्या होगा, 6 माइनस y माइनस टू, ये लाइन में और ये लाइन में कितना हो जाएगा, 3 माइनस x, फिर ये लाइन में प्लस 1, ये आ गया इसका क्या हुआ, 3y माइनस 6x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो जाएगा 6 माइनस y माइनस कितना हो गया, माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3x, ये कितना था, 3, यहाँ से ये था ना, 1 से हम ऐसे करेंगे तो 3y आएगा। ठीक है, 3y यहाँ है ना, ये हमने 2x, ये y माने 6 हो गया, माइनस 6 और माइनस ये आएगा यहाँ पे 2x, फिर ये 3y आएगा और यहाँ कितना होगा, माइनस 6x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब ये कितना आएगा यहाँ पे, y कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो, ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 3y में 2y आ जाएगा, कितना आ गया 2y और 6 में से क्या आएगा, माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो गया, 4x 2 से कट जाएगा, 2 y इक्वल टू कितना हो गया, 2x। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे समझ में,